हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो लाया हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, लेकिन अब से मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यूसली आपको वीडियोस दूँ क्योंकि अब विंटर का टाइम शुरू हो चुका है और अब हम विंटर गार्डन को भी प्रिपेयर कर रहे हैं, विंटर के खूब सारे प्लांट्स ला रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूँगा जो आपको विंटर में खूब सारे फ्लावर्स देंगे। तो जो सबसे पहला और सबसे ब्यूटीफुल प्लांट होता है फ्रेंड्स, वो होता है पेटूनिया का। पेटूनिया का फ्रेंड बहुत ही अर्ली स्टेज पे प्लांट फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है और बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं। आप प्लांट का साइज देखिए, ये एक दो और एक ये यहाँ पे भी देखिए तीसरा, बिल्कुल खिलने की कदार पे है। तो मैंने इसमें से दो फ्लावर अभी तोड़ भी चुका हूँ और अभी फ्रेंड में थोड़े दिन पहले लाया हूँ क्योंकि अभी आप जानते हैं कि अभी अक्टूबर चल रहे हैं, अक्टूबर की आज 6 या 7 तारीख हुई होगी मैक्सिमम, तो उसके हिसाब से अभी नर्सरीज में इतने सारे सीजनल वैरायटी के प्लांट नहीं आए हैं अभी विंटर के फ्लावरिंग। अभी हम बीज से कल्टीवेट करें तो हमारे होंगे अभी प्लांट छोटे छोटे होंगे। अगर आप बीज ग्रो करें तो आपको पता होगा, जैसे मैंने भी बहुत सारे विंटर वेजिटेबल्स के और फ्लावर्स के बीज ग्रो करे हैं तो अभी वो बहुत छोटे छोटे हैं, मान लो इतने से 1 इंची के भी प्लांट नहीं हुए और ये पूरे रेडी प्लांट्स हमें नर्सरी पे थोड़े थोड़े भी देखने को मिल रहे हैं। उनका रेट भी थोड़ा फ्रेंड्स अभी हाई होता है क्योंकि अभी ये नया स्टॉक आया है, अभी थोड़े टाइम बाद आपको ये 20 से 30 की रेंज में मिलेंगे। अभी अगर आप जाएंगे तो आपको 50 से 60 की रेंज में मिल जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये कम के भी मिल जाते हैं, नर्सरी का हिसाब होता है। कहीं जगह अगर आप पूछेंगे तो 70 से 80 बताएंगे इस टाइम पे, और अभी थोड़े दिनों बाद तो पूछोगे तो आप 20 से 20 ये तो ये खुलेआम बिकते हैं, मतलब बहुत सस्ते हैं ये प्लांट क्योंकि बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाते हैं। इसमें एक प्लांट में, एक फ्लावर में फ्रेंड्स, एक फ्लावर में हजारों सीड्स हो सकते हैं जब इसका सीड पॉट बनता है। लेकिन इस स्टेज पे अभी आप जैसे इस विंटर के स्टार्टिंग ही हुई है अभी, तो इसको सीड पॉट्स में आने दें। जैसे अभी ये फ्लावर है, ये आज ही खिला है, तो अगर ये कल तक मैं इसको हटा दूंगा, तोड़ दूंगा इससे से, क्योंकि अगर मैं इसको तोड़ूंगा नहीं तो यहाँ पे मतलब सीड पॉट बनना शुरू हो जाएगा और इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसके फ्लावर्स की पिंचिंग करेंगे उतने ज़्यादा हमें फ्लावर्स मिलेंगे। और दूसरी बात जो पेटूनिया के प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसके प्लांट को थोड़ा सा सरफेस से ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि अगर उसके पत्तियों पे हमेशा मिट्टी रहेगी तो उसकी पत्तियां खराब हो जाएंगी और प्लांट ड्राई हो जाएगा अल्टीमेटली। तो ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये इसका रूट लेवल है और ये जो जैसे गार्डन का जो नर्सरी के मिट्टी का बाउल आता है जो प्लांटर में लगा होता है पॉलीथीन में, उसको मैंने इतना इंच ऊपर रखा है, अपनी सॉइल को इतना नीचे रखा है और उसको थोड़ा बाहर निकाल के रखा है ताकि ये वाला जो एरिया है इस पे पानी डायरेक्ट टच में ना आए। देखिए ये मिट्टी भी आपको काफ़ी ड्राई दिख रही होगी काफ़ी हद तक, और यहाँ की मिट्टी देखिए काफ़ी वाटर्ड है इसमें, ये वाली और ये वाली ड्राई है। अगर इस पे डायरेक्ट पानी लगता रहेगा तो उसकी लीव और स्टेम गलनी शुरू हो जाएंगी जो प्लांट की ग्रोथ को अल्टीमेटली ख़राब करेगा। ये देखिए, अगर आपको यहाँ से मैं दिखा पाऊँ तो ये मैंने इसको ऊपर लगाया, ये पूरा उसी का बाउल है जो अब टूट रहा है क्योंकि मिट्टी तो मिल जाती है आपस में। तो चलिए आप दूसरे प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स, वो है डैंथस का। अभी आपको मेरे प्लांट की फ्रेंड्स कंडीशन अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, ये मेरा पिछले साल का प्लांट है, ये मैंने इसको गर्मियों में बचाया है, लेकिन इस पे देखिए थोड़ा बर्निंग तो आ ही जाती है गर्मी में। अब मैं इसकी जितनी भी है ये सारी पुराने स्टेम हटा दूंगा क्योंकि न्यू ग्रोथ देखिए अब कितनी लश ग्रीन न्यू ग्रोथ आ रही है, क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट होने को है, बिल्कुल टिप पे है सर्दियां, बिल्कुल स्टार्ट होने ही वाली हैं। और फ्रेंड्स इसकी मैंने जो केयर करी थी गर्मियों में वो मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर करा हुआ है। इसको हम थोड़ी थोड़ी खाद देते रहे थे, वैसे तो देनी नहीं चाहिए लेकिन हम देते रहे थे थोड़ी थोड़ी टाइम इंटरवल पे खाद से, और इसी वजह से बचा रहा और इसने खूब फ्लावरिंग भी करी। अभी देखिए इसमें खूब सारे फ्लावर्स लगे भी हुए थे, आज तो पता नहीं कम है, वैसे तो गिर गए, एक ही बचा है आज तो वैसे, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे और बहुत सारे सीड स्पॉट भी बने। मैंने उसमें से सीड्स इकट्ठे भी किए लेकिन फिर मेरा लगाने का दिल नहीं किया, मैंने डैंथस की सीडलिंग नहीं की है अभी तक, पड़े मेरे पास भी सीड्स मैं करूँगा क्योंकि बहुत टाइम है फ्रेंड्स, आराम से करेंगे। और अब जो है कि ये जो हमारा पिछले साल का प्लांट है इसकी मैं जो है हार्ड प्रूनिंग कर दूंगा, जैसे ये जो पुरानी आप जितने भी स्टेम्स देख रहे हैं ना इन सबको मैं इसमें से हटा दूंगा और जो ये नई ग्रीन ग्रोथ है ना इसको बढ़ने दूंगा, बस उससे हमारा प्लांट फिर से बुशी हो जाएगा। इससे हमारे पास ये पूरा साल प्लांट रहा और पूरे साल इसने फ्लावरिंग भी करी। हाँ भले हम लीफ पे नहीं ध्यान देंगे क्योंकि थोड़ी सी ब्राउन तो होंगे फ्रेंड्स क्योंकि ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, समर्स का नहीं, लेकिन हमने फिर भी इसे समर में सर्वाइव कराया और इसने फ्लावरिंग भी करी खूब सारी। अगर आपको इसकी वाली वीडियो देखनी है जिसमें मैंने आपके साथ फर्टिलाइजर शेयर किया था इसका, तो वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दूसरा एक कॉमन फर्टिलाइजर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में जो हर एक आप प्लांट को दे सकते हैं सीजनल प्लांट को, तो फ्रेंड्स वो होती है गोबर की खाद, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करनी होती है हाई अमाउंट में सीजनल प्लांट्स को, उनका लाइफ स्पैन थोड़ा छोटा सा ही होता है, 5 से 6 महीने लगा लीजिए, उससे ज़्यादा ये प्लांट सर्वाइव नहीं करते। लेकिन कुछ कुछ केस में जैसे मेरा प्लांट ने सर्वाइव किया, अब इसकी अब की बार मैं थोड़ी खाद कम दूंगा क्योंकि इसको मेरे एटमॉस्फेयर के बारे में पता है और इसको पहले टाइम टाइम गर्मियों में भी खाद देता रहा हूं, इसलिए ये प्लांट बहुत ही हेल्दी निकल के आएगा सर्दियों में, वो तो फ्रेंड्स टाइम ही बताएगा क्योंकि अब तो पता चल ही जाएगा कि हमारा प्लांट कैसा निकलेगा। मेरे पास एक देसी वैरायटी के भी प्लांट हैं, उसके सीड्स अभी मैंने ग्रो नहीं किए लेकिन पिछली बार ग्रो किए थे और स्लीट क्लिक कर लिए थे,
वो वाले में फ्रेंड्स प्लांट बहुत छोटा रहता है लेकिन फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स वो है क्रिसेंथुम का या गुलदाउदी का। ये फ्रेंड्स छोटे फूल वाली गुलदाउदी है। गुलदाउदी में 2 से 3 वैरायटी आती है। एक होती है मिनीचर गुलदाउदी, उसके पत्ते भी छोटे होते हैं और फ्लावर्स भी बहुत छोटे होते हैं। और ये है मीडियम मीन्स जो कॉमन गुलदाउदी का प्लांट आता है। एक देसी वैरायटी भी आती है और वो बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत ही बुशी प्लांट हो जाता है। उसमें भी फ्रेंड्स फ्लावर बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत बड़े बड़े आते हैं। इसमें फ्रेंड्स रेड कलर का फ्लावर आएगा। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये मेरा ये भी पिछले साल का प्लांट है। इसको मैंने कटिंग से प्रोपोगेट किया था और मेरे पास और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसको मैंने प्रिजर्व करके रखा हुआ था। अब आप जानेंगे कि इसको इतना आसान से ग्रो कर सकते हैं हम। इसके छोटे से छोटे टिप कटिंग देखिए, मैंने आपको ध्यान से देखेंगे तो मैंने बहुत सारे टिप की शूट कटिंग करी हुई है। इससे एक तो फ्रेंड्स प्लांट बुशी होता है और जो हमें कटिंग मिलती है वो भी एक पूरा इंडिविजुअली प्लांट है। इस प्लांट को ग्रो करना फ्रेंड्स बहुत ही ईजी होता है और बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है और बहुत ही बुशी हो जाता है। जैसे आप मेरा प्लांट देख ही सकते हैं कितना बुशी प्लांट है। ये तो बस फ्रेंड्स मैं टाइम टू टाइम कटिंग करता रहता हूँ और जिससे ये बुशी होता रहता है। वैसे तो फ्रेंड्स अपने आप भी बुशी होने की बहुत कोशिश करता है, जैसे कि आपको ये दिखेगा टिप से। देखिए इसमें अपने आप ही मैंने इसकी कोई प्रूनिंग नहीं करी, यहाँ से इसने अपने साइड ब्रांच निकाली, एक यहाँ से निकाली, एक इसके नीचे से भी निकलने की कोशिश कर रही है। तो ये बुशी प्लांट होता है, बहुत सारा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है। और इसकी आप प्रूनिंग करेंगे तो आपको फायदा ही होगा, फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, ब्रांचेस के नंबर इंक्रीज होएगा तो फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे। इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस की कोशिश करें कि ब्रांचेस आएँ। और इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है, आप कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं या ये नीचे से खुद भी डिवाइड होता है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे प्लांट ने डिवाइड किया है। तो ये देख सकते हैं जैसे ये पूरा डल्ट प्लांट है, इसके नीचे से ये जो है ना ये इसके रूट से निकला है। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं लेकिन मेरे को कोई यूज़ ही नहीं है फ्रेंड्स। मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स पहले से हो चुके हैं इसके और बार बार इसको डिवाइड करने से भी इसको शॉक मिलता है। मतलब अगर मैं इसके जड़ों में से निकालूंगा तो जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए बहुत आसानी तरीका है कि इसको आप ऊपर से टिप तोड़ लीजिए। इतनी मीन्स एक इंची की टिप भी हुई ना वो भी आपको चल जाएगी, बहुत आसानी से चलेगी और बहुत सारे कलर्स में आता है ये भी। अगर आप इसकी कॉस्ट की बात करेंगे, ये पैंसी पेटूनिया वगैरह से थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन क्योंकि इसमें कलर्स क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसका फ्लावर बहुत दिनों तक टिका रहता है। पैंसी पेटूनिया के फ्लावर्स फ्रेंड जल्दी गिर जाते हैं लेकिन इसका प्लांट का फ्लावर जो है वो 5 से 6 या 7 दिन, हफ्ता मैक्सिमम 10 दिन भी इसी प्लांट पे लगा रह सकता है और तोड़ने के बाद भी 3 से 4 या 5 दिन तक वो जिंदा रहता है, सूखता नहीं है। बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है इसका भी। चलिए नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स ये रोज़ का प्लांट। रोज़ का प्लांट वैसे तो फ्रेंड्स एक परमानेंट प्लांट होता है लेकिन इसका फ्लावरिंग करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है विंटर्स का। विंटर में आप देखेंगे इसके फ्लावर का साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भी निकलते हैं। ये फ्रेंड्स मेरे को प्लांट पर नया लाया हूँ। मेरे पास ये रेड कलर का नहीं था पहले, जो मेरे पास था वो व्हाइट कलर का था और एक पिंकी सी शेड का था। अब मैं ये रेड लाया हूँ और ये देसी प्लांट है फ्रेंड्स, पॉलीबैग में लगा हुआ है। ये सिर्फ 20 रुपये का मिला मुझे। उस नर्सरी का मैंने आपको फ्रेंड्स वीडियो पहले से बनाई हुई है लेकिन उसमें मैंने रोज़ के प्लांट कवर नहीं किए थे क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बड़ी नर्सरी होती है और इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं वीडियो की लेंथ को बढ़ाता रहूँ। आज भी मैंने फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के बहुत आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए तो बात कर लेते हैं रोज़ के प्लांट के बारे में। तो रोज़ के प्लांट में भी फ्रेंड्स बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, जैसे बटन रोज़ हो गया, एक बेल वाली वैरायटी भी आती है, एक बहुत बड़े बड़े फ्लावर इंग्लिश वैरायटी आती है जिसमें, एक जो होते हैं हमारे सेंटेड देसी रोज़। फ्रेंड्स मेरे को तो वही सबसे अच्छे लगते हैं जिसमें सेंट आती है, देसी वैरायटी होती है वो हमारी, उसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। इसमें भी फ्रेंड्स फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रांग तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक है। ये तो फ्रेंड्स इस प्लांट की खास बात है। और ये फ्रेंड्स बहुत प्यारा प्लांट है, छोटा था मुझे अच्छा लगा 20 रुपये के में तो क्या आता है। वैसे तो फ्रेंड्स उसका प्लांट 50 से 80 रुपये के बीच में मिलता है अच्छा, अगर आपको फ्लावर से भरा हुआ प्लांट चाहिए तो। और इसी कंडीशन फ्रेंड्स एक ही टहनी थी, उन्होंने मेरे को ये 20 रुपये का दिया। वैसे तो मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया लेकिन अगर आप चाहें तो रोज प्लांट को उगाना बहुत ही आसान होता है, इसकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मैं चैनल के साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए।